नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ शिवम। सावन का पावन महीना चल रहा है और कल चौथी सोमवारी है, और इससे पहले सिर्फ भक्तों की अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। भागलपुर के कचहरी चौक पर खड़े हैं, रविवार का दिन है और आज डाक बम का रेला आपको सड़कों पर नजर आएगा। और यहां से 108 किलोमीटर दूर बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचकर ये सभी जलार्पण करेंगे, लेकिन यहां से आपको देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में डाक बम आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे क्योंकि भागलपुर का जो क्षेत्र है वो गंगा के तट पर बसा है और यह अपने आप में इस जिले के लिए एक वरदान भी है। इस वजह से पवित्र गंगा का जल भरकर तमाम जो श्रद्धालु हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, युवा के साथ साथ बच्चे व बूढ़े हो, तमाम वो लोग डाक बम के तौर पर भागलपुर के SM कॉलेज घाट से जल भरकर अब बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए पैदल और यह कठिनाइयों से बड़ी यात्रा जो है वह अब शुरू कर चुके हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे तस्वीरें दिखाए। यह रेला जो आपको नजर आ रहा है यह मनाली चौक से होते हुए अब SM कॉलेज घाट से निकल रहा है और तमाम ये लोग जो है यह देख सकते हैं आपको पीठ पर गंगा का जल आपको नजर आएगा और इस जल लेकर अब ये लोग 24 घंटे के अंदर ये लोग जो है वो बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचेंगे और वहां पर पवित्र गंगा का जल जो है वो अर्पण करेंगे। एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। तमाम जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो सभी यहां पर सेवा शिविर लगाए हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। दूसरी ओर की तस्वीर, तमाम जो ट्रैफिक के अधिकारी हैं वो भी सड़कों पर हैं और वो लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि ये जो श्रद्धालु अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं बासुकीनाथ धाम के लिए, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना झेलनी पड़े। इसके लिए रूट भी डाइवर्ट किया जा रहा है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ साथ तमाम पदाधिकारी खुद जो हैं वो सड़कों पर खड़े हैं। ये रेला देखिए, उत्साह से भरे श्रद्धालुओं की तस्वीर देखिए। ये सभी श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगाते हुए डाक बम के तौर पर अब यह सभी बासुकीनाथ धाम के रवाना हो। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, छोटे बच्चे, युवा वर्ग हो, साथ ही साथ बड़े जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तमाम वो लोग अब डाक बम के तौर पर बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। दूर की तस्वीर देखिए आप, जो तमाम लोग वहां पर सड़कों पर नजर आएंगे, आपको काफी ज्यादा संख्या में लोग आपको नजर आएंगे, वो सभी डाक बम के तौर पर अब बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। पीछे चलकर हम आपको अब चौक से तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ट्रैफिक पुलिस के पदाधिकारी रूट डाइवर्ट करवा रहे हैं यहाँ से ताकि परेशानी ना झेलनी पड़े। दूसरी ओर देखिए, ये गाड़ी है, पिकअप वैन है, पिकअप वैन के ऊपर गाजे बाजे के साथ झूमते नाचते जो तमाम कांवड़िया है, झूम करके दिखाना चाहेंगे, जो कांवड़िया है वो नाचते गाते झूमते जो है वो बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। ये मनमोहक तस्वीर है। अभी तक की बात करें तो लगभग 50,000 से अधिक की संख्या में श्रद्धालु है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं जल भरकर, और लगभग यह आंकड़ा जो है 1,00,000 से अधिक जा सकता है, 1,00,000 को पार हो सकता है। 1,00,000 से अधिक लोग कांवड़िया श्रद्धालु जो है वो SM कॉलेज घाट से जल भरकर बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ये तस्वीर, दूसरी ओर की तस्वीर, कच्ची कांवड़िया पथ पर पैदल देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह, और ये दूसरी ओर की तस्वीर जो डाक बम कांवड़िया है जो बिना रुके 24 घंटे के अंदर 108 किलोमीटर की यात्रा तय कर बाबा बासुकीनाथ में जलार्पण करेंगे। हम आपको कहेंगे जूम करके तस्वीरें दिखाएं, जो पीछे की तस्वीर है, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कि जूम करके तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, ये हजारों की संख्या में कुछ ही मिनटों के अंदर आपको हजारों श्रद्धालु जो है वो सड़कों पर नजर आएंगे और वो सभी जो है झूमते नाचते तमाम श्रद्धालु जो है वो बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। उत्साह कुछ ऐसा है मानो बड़ा त्योहार हो। महिलाओं के अंदर उत्साह, बच्चों के अंदर उत्साह, तमाम लोगों के अंदर उत्साह आपको नजर आ रहा है। तो ये भागलपुर की तस्वीर है, मनमोहक तस्वीर है, और सावन के चौथी सोमवारी के पहले की तस्वीर है। आज रविवार का दिन है और आज यहाँ से जल भरकर तमाम कांवड़िया जो है वो बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए पैदल रवाना हो रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।